नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं रायपुर से। एक दुखद खबर सामने आ रही है, सड़क हादसे में यूट्यूबर देवराज पटेल की मौत हो गई है। रायपुर में लावांडी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। छत्तीसगढ़ के फेमस यूट्यूबर एक्टर थे देवराज पटेल, जो हादसे का शिकार हो गए। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं देवराज पटेल की। सीएम भूपेश बघेल के साथ रील बनाकर पोस्ट किया था। सीएम बघेल ने हादसे पर ट्वीट करके दुख जताया है। तो देवराज पटेल का निधन हो गया है सड़क हादसे में। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा, दिल से बुरा लगता है और करोड़ों लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाले, हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए। ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का आप देख पा रहे हैं। दिल से बुरा लगता है, हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए और इस बाल उम्र में अद्भुत प्रतिभा की क्षति बहुत दुखदाई है। ये बड़ी बात कही, ईश्वर उनके परिवार और चाहने वालों को यह दुख सहने की शक्ति दे, ओम शांति। ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने और दुख जताया है। और रायपुर में हुए सड़क हादसे से पहले आज सुबह देवराज पटेल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यह वीडियो देवराज का आखिरी वीडियो बनकर रह गया। देखिए ये वीडियो। तो राकेश भाई, आज इसी बात पे बिरयानी खिला ला यार, बहुत मन हो रहा है। तो देवराज पटेल का ये वीडियो आखिरी वीडियो बनकर रह गया। आज सुबह देवराज पटेल ने ये वीडियो पोस्ट किया था और वो बेहतर कॉमेडी करते थे। सीएम भूपेश बघेल के साथ भी उन्होंने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था और लगातार वो लोगों को हंसाया करते थे, अलग अलग तरह के विषयों पर वीडियो बनाया करते थे। लेकिन ये वीडियो उनका आखिरी वीडियो बनकर रह गया। सीएम भूपेश बघेल के साथ भी उन्होंने वीडियो बनाया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये वही वीडियो है जो सीएम भूपेश बघेल के साथ उन्होंने बनाया। सीएम भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन आज देवराज पटेल का निधन हो गया सड़क हादसे में। देवराज पटेल को सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि भी दी है। सोशल मीडिया की सनसनी अब खामोश हो गई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में वो कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, भगवान ने मेरा शक्ल ऐसा बनाया है ना कि लोगों को समझ नहीं आता है, क्यूट बोले या क्यूटिया। बाय। हेलो दोस्तों, भगवान ने मेरा शक्ल ऐसा बनाया है ना कि लोगों को समझ नहीं आता है, क्यूट बोले या क्यूटिया। बाय। और देवराज पटेल को सीएम भूपेश बघेल ने अपने आवास पर भी बुलाया था। इस दौरान देवराज ने सीएम भूपेश बघेल के साथ एक वीडियो बनाया था, उसे पोस्ट किया था। ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। आप भी जरा ये वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में दो ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। और काका सब बने 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 बने। लेकिन एक तो सवाल पूछो काका, टीवी ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता है काका। तो देवराज पटेल यूं ही अपनी बातों सबको हंसाया करते थे। अपनी छोटी सी उम्र में देवराज पटेल सोशल मीडिया पर छा गए थे, सनसनी बन चुके थे। छत्तीसगढ़ में उन्हें लोग पहचानने लगे थे, उनकी मस्करी बातें लोगों को खूब भा रही थी, खूब पसंद आ रही थी। राकेश भाई, पैसा बहुत है मेरे पास, कुछ कमी नहीं है, गाड़ी घर सब चीज है, जो चाहे सब चीज है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाने है। तुमको जब भी जरूरत पड़े एक बार बोल देना भाई को, बस जितना पैसा चाहिए ऐसी फेंक देंगे तुम्हारे लिए, बहुत पैसा है। बस अभी 20 रुपए दे दे यार, ऑटो वाला नीचे खड़ा है, घर जाना है मेरे भाई, 20 रुपए दे दो बस। अरे अंबानी दे दो भाई, 20 रुपए दे